नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने चिर परिचित अंदाज में अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह से पूछा गया था कि उनके प्रभाव वाले क्षेत्र राजगढ़ में महाराज सिंधिया सेंध लगाने में सफल हुए हैं। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे यहाँ सिंधिया से 10 गुना ज्यादा सेंध लगाने आए हैं। उन्होंने फूलबाग चौराहे पर दिए जा रहे आशा कार्यकर्ताओं के धरने प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं को बेहद कम मानदेय दिया जा रहा है। आशा कार्यकर्ताओं के कंधे पर प्रदेश भर के स्वास्थ्य सेवाओं की कमान है, लेकिन उन्हें सिर्फ 2,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में केंद्र और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय कम से कम 10,000 रुपये प्रतिमाह किया जाए और उन्हें प्रसूति पोषण आहार और टीकाकरण की अलग से प्रोत्साहन राशि दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में आशा कार्यकर्ताओं की इस मांग को भी शामिल कराएंगे। दिग्विजय सिंह ग्वालियर भ्रमण के दौरान फूलबाग पर चल रहे आशा कार्यकर्ताओं के धरने प्रदर्शन में उनके बीच बैठे एवं उन्हें अपना पूर्ण समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि मोना सुस्तानी और गुलाब सिंह जैसे कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में क्यों शामिल हुए, यह उनकी समझ से परे है। किसी ने भी उनसे इस बारे में चर्चा तक नहीं की। गौरतलब है कि मोना सुस्तानी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की नजदीकी रही हैं। इसके बाद वे फूलबाग परिसर में महात्मा गांधी प्रतिमा के नजदीक चल रहे कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए। कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी के लोकसभा से निष्कासन को गलत ठहराते हुए धरना दिया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश में वो आशा कार्यकर्ता जो कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, आराम से नीचे उनको मध्य प्रदेश में केवल 2,000 रुपये दिए जा रहे हैं। नीचे कर लो, नीचे। हम केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से मांग करते हैं इन्हें न्यूनतम लगभग 10,000 रुपये माहवार मिलना ही चाहिए। 24 नीचे कर लो भैया थोड़ा, और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा ये जो काम करेंगे, डिलीवरी का, टीकाकरण का, पोषक आहार में जो भी काम करेंगे उसे प्रोत्साहन राशि अलग से देना चाहिए। हमारे तरफ से उनकी मांगों को पूरा पूरा समर्थन है और ये सब बातें जो हैं ये हमारे चुनाव घोषणा पत्र का अंग होगी। राजे साहब, आज मोना सुस्तानी जी ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, आपके बहुत करीबी रहे गुलाब सिंह जी, तो किस तरह से देखते हैं आप दिल में? न जाने क्यों हुआ है, क्योंकि गुलाब सिंह जी हमारे सबसे पुराने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रहे हैं, राजगढ़ विधायक रहे हैं, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मोना सुस्तानी जो कि हमारे महिला कांग्रेस में भी काम करती रही है, हमारी उम्मीदवार थी राजगढ़ से, तो बात तक नहीं करी उसने। ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, वहाँ से लौट के और भाजपा चली गई। मैं साहब कह रहे हैं कि महाराजा ने सेंध लगाई है आपके गढ़ राजगढ़ में, उनका उनकी उससे बड़ी 10 गुनी सेंध मैं लगाने आया हूँ ग्वालियर में। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप हमारे Facebook पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।